मुकामा विधायक अनंत सिंह के ऊपर दो मामलों में आरोप जो है वो तय कर लिए गए हैं आपको बता दें कि पटना के एम पी कोर्ट में कल इस पर सुनवाई चल रही थी जहां जज ने अनंत सिंह के सामने उन पर जो आरोप लगे हैं उसका पूरा जो रिपोर्ट है उसे उन्हें पढ़कर बताया है हालांकि अनंत सिंह इससे अभी फिलहाल इस पूरे मामले को अस्वीकार कर रहे हैं लेकिन उनके ऊपर जो आरोप है वो जज की तरफ से तय कर दिया गया है आपको बता दें कि सांसद और विधायकों के मामले की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने गुरुवार यानी कल विधायक अनंत सिंह के खिलाफ दो मामलों में आरोपों का गठन किया है विशेष अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आदिदेव ने खुली अदालत में विधायक अनंत सिंह को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को पढ़कर सुनाया है जिसके बाद विधायक अनंत सिंह ने तमाम आरोपों से इनकार किया है अदालत ने दोनों मामलों में आरोप तय करते हुए अभियोजन के अपने गवाह पेश करने का आदेश दिया है आपको बता दें पटना के एस के पुरी थाना के एक कांड संख्या 404 सौ चार बाई दो और 301 सौ एक बाई दो का मामला है यानी ये जो दोनों मामले हैं वो काफी पुराने हैं साल 2013 और चौदह का यह मामला है जिसमें आरोप जो है वो अनंत सिंह के ऊपर गठित किया गया है खुद जो जज हैं उन्होंने ये बात कहा है कि अनंत सिंह इन दोनों मामलों में अभियुक्त जो है वो अब दोषी बताए जा रहे हैं इसके पूर्व में भी बीते सालों हमने देखा कि अनंत सिंह के पुस्तैनी मकान लदमा से पुलिस ने छापेमारी इस तो इसे सिरे से नकार दिया था तो लगातार विवादों में घिरे रहते हैं मोकामा से बाहुबली विधायक और राजद नेता अनंत सिंह अब फिलहाल ये जो दो मामले हैं जो 2013 और 2014 के बताए जा रहे हैं कांड संख्या 404 2013 और 301 2014 और श्री कृष्णापुरी पटना के थाना में दर्ज है यह मामला और इसमें अनंत सिंह को आरोपी बताया जा रहा है पटना का जो न्यायालय है एम पी कोर्ट है उसमें दंडाधिकारी जो है उन्होंने अनंत सिंह के ऊपर इस केस में उन्हें आरोपी बताया है और यह कहा है कि आपको अपने गवाह पेश करने होंगे तब जाकर आपको निर्दोष माना जाएगा फिलहाल इस खबर में आगे क्या अपडेट होगी क्या सजा सुनाई जाएगी अनंत सिंह को यह देखने वाली बात होगी मेरा नाम उदित है और ये वीडियो ऑफ एन 24 ट्वेंटी फोर पर देख रहे थे शुक्रिया